समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में डॉक्टर रहे कफील खान की किताब गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन किया। बीआरडी अस्पताल में 2017 में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बच्चों की जान चली गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को जिम्मेदार ठहराया गया था, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। वहीं विधान परिषद चुनाव के दौरान कफील खान को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। अब गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल की घटना पर डॉक्टर कफील खान अपनी किताब लेकर आए हैं। इसमें वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये किताब बीआरडी अस्पताल की घटना का सच सामने ला पाएगी। अखिलेश यादव ने इसका विमोचन करते हुए कहा कि ये किताब लोगों की आंख खोलेगी। सपा मुखिया ने कहा कि डॉक्टर कफील ने इस किताब में अपनी पूरी जर्नी के बारे में लिखा है, किस तरीके से अस्पताल में बच्चों को बचाने के लिए जो समय ट्रीटमेंट हो सकता था, जो पर्याप्त संस्थान से जान बचाई जा सकती थी उसके लिए वो काम करते रहे। बाद में उन्हें कितना दुख और परेशानी का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। उन्होंने कहा ये किताब लोगों की आंखें खोलेगी। जहां गोरखपुर अस्पताल की त्रासदी के बारे में लिखा है डॉक्टर कफील ने, वहीं उनके साथ किस तरीके से कानूनी उसमें फंसा करके उन्हें जेल भेजा गया, जेल में जो उनके साथ अन्याय हुआ, जेल में जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, वो सब कुछ है। ये किताब सीखने की किताब है, जिससे कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी। मैं डॉक्टर कफील को बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी इस जर्नी के बारे में, इस परेशानी के बारे में लिख करके लोगों को और लोगों तक पहुँचाने का काम। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पाया। अगर आज भी उत्तर प्रदेश में हम देखें तो हर दिन तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से मरीजों को कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे जिला अस्पताल हो या फिर मेडिकल कॉलेज, जिस तरीके का इलाज, दवाइयां और इंतजाम होना चाहिए वो नहीं है। गोरखपुर अस्पताल त्रासदी नामक किताब को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इस किताब को सरकार में बैठे लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा समय पर अगर फैसले हो गए होते, समय पर ऑक्सीजन और दवाइयां मिल गई होती, सरकार ने समय रहते अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया होता तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती।